यहाँ पर हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, एक टी है और एक एस। टी डिफाइन है आर स्क्वेयर से आर क्यूब पर, और एस डिफाइन है आर क्यूब से आर स्क्वेयर पर। यहाँ पर हमें इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन एस फाइंड करनी है। एस और टी का कंपोजिशन हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन दे दे। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इन्वर्टिबल होता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कंपोजिशन भी इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल ये किस केस में होगा? जब टी वन वन होगा और एस ऑन टू होगा। ये एक तरह से स्ट्रक्चर याद रखेंगे। अगर टी वन वन होगा तो इसकी जो रैंक है वो टू होगी, क्योंकि हमें पता है कि आई इन्वर्टिबल है, तो रैंक टू होगी। देर इज नो नीड टू जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालो और वहाँ पर चेक करो कि हाँ रैंक इसकी टू होगी या नहीं होगी। इट्स फाइन, रैंक टू होगी, नलिटी इसकी ज़ीरो होगी। लेकिन हमें ये बताना है कि एस कितने, इस तरह के एस कितने होंगे जो आइडेंटिटी दे दें। उसके लिए हमें मैट्रिक्स निकालना होगा, तो हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। सबसे पहले एलिमेंट रखते हैं 1 0, तो उससे हमें मिलेगा 2 1 2। और अगर हम ई टू पर निकालते हैं तो टी ई टू क्या हो जाएगा? ये 2 1 2 था, 3 2 5, ये हमें मिलेगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2 1 2, और या इसको वैसे लिख लीजिए कॉलम वाइज 2 1 2 3 2 5। आप यहाँ से अब आप एलिमेंट रो ऑपरेशन लगा के रैंक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टी आ गया है। हमें इस तरह का एस निकालना है कि एस कंपोजिशन विद टी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखिए, इसका जो टी का साइज आया है वो 3/2 है, और यहाँ पर एस जो डिफाइन थी वो R3 से R2, तो इसका जो साइज होगा वो 2/3 होगा। आउटपुट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो 2/2 का होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है कि हमें S एक 2/3 का मैट्रिक्स कंसिडर करना है। तो मैट्रिक्स कंसिडर करने के लिए मैं एंट्रीज ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। इस तरह से मैंने एक 2/3 का मैट्रिक्स ले लिया। ये कंपोजिशन है 2 1 2 3 2 5, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 1 साइज 2 का। यहाँ पर आप अगर इसको देखते हैं, 2A+B+2C, और ये हमें जो मिलेगा इक्वल्स टू 1 के बराबर मिलेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड इक्वेशन मिलेगी 3A+2B+5C इक्वल्स टू 0। फिर 2D+E+2F इक्वल्स टू 0, और 3D+2E+5F इक्वल्स टू 1। हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशंस और 6 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फ्री वेरिएबल तो होंगे ही होंगे। हम 2 फ्री वेरिएबल कंसिडर करके चलेंगे और इसको सल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 फ्री वेरिएबल हैं, तो इसका मीनिंग है इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर इसका सल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी ये होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी सी में जो इक्वेशंस हैं उसको मैं कलेक्टिवली लिख लेता हूँ, 2A+B+2C इक्वल्स टू 1, और 3A+2B+5C इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन हैं। अगर मैं यहाँ पर सी को फ्री वेरिएबल मान लेता हूँ, तो सी की वैल्यू 0 कर देता हूँ। सी की वैल्यू 0 करने से 2A+B=1 और 3A+2B इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसको 2 से, तो
तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3b प्लस 4b इक्वल्स टू 3, और ये कितना आ जाएगा 7b इक्वल्स टू 3। b का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/7, एक तरह से हमारे पास b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो a का भी निकल जाएगा, एक वैल्यू a का हो जाएगा, b का हमने निकाल ही लिया, c का वैल्यू हमने 0 चूज कर लिया। इसी तरह जो अदर टू इक्वेशंस हैं उसकी वैल्यू निकाल लीजिए डी ई एफ की। लेकिन अब हमें ये पता चल गया है कि वहाँ से भी हमें वैल्यू मिल जाएंगी और इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।